दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक राज में। अगर आपका अकाउंट HDFC बैंक में है और किसी कारण आपका डेबिट कार्ड होता है वो कहीं खो गया है या चोरी हो गया है या किसी प्रकार से टूट चुका है, तो आप उसे फिर से लेने के लिए बिना बैंक जाए, बिना ब्रांच जाए, घर बैठे कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र ओपन करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ सर्च में HDFC बैंक डेट बैंक टाइप करना होगा। अब आपको यहाँ जो पहला ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों, इससे पहले आपको बता दूँ कि आप ऑनलाइन तभी बुक कर सकते हैं जब आपकी बैंक में नेट बैंकिंग चालू हो। नेट बैंकिंग कैसे चालू करते हैं, कैसे ओपन करते हैं, इसके लिए या तो मैं आपको अलग वीडियो बना के दे दूँगा, नहीं तो आपको एक बार ब्रांच जाना है। जब आप अकाउंट ओपन कराते हैं उसी टाइम आप अपनी नेट बैंकिंग चालू करवा सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो ऑप्शन आ रहा है कस्टमर ID का। कस्टमर ID होती क्या है? ये आपकी पासबुक पर एक कोड होता है, कस्टमर ID नाम से होता है, वो आपको इसमें डालना है। चलिए मैं डालता हूँ। और कस्टमर ID डालने के बाद आपको यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना है, जो कि नेट बैंकिंग शुरू करते हुए आपने पासवर्ड बनाया था वो आपको यहाँ पर डालना है। चलिए मैं डाल देता हूँ। अब आपको यहाँ पे ये प्लीज कन्फर्म का एक ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर आपको यहाँ पे टिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ लॉगिन पर टिक कर देना है। अब आपके सामने आपका अकाउंट ओपन हो चुका है, ये नया पेज दिख रहा होगा, इसमें आपको सब कुछ दिख जाएगा। आप यहाँ से किसी को पैसे ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, अपना बिल भी भर सकते हैं, अपने फ़ोन का किसी चीज़ का रिचार्ज भी कर सकते हैं। चलिए मैं आता हूँ मेन टॉपिक पर। देखिए क्या होता है कि आप यहाँ से न्यू कार्ड अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपका पहले से कार्ड बना हुआ है और बाई चांस वो खो गया है या टूट चुका है या कहीं खो गया है या वो बेकार हो गया है, कुछ भी हो गया है, तब आप दोबारा अप्लाई करने के लिए, दोबारा उसे लेने के लिए आपको यहाँ पर एक कार्ड का ऑप्शन आ रहा होगा। देखो जरा कार्ड आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ डेबिट कार्ड का ऑप्शन ओपन हो चुका है इधर साइड में। अब आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देना है। रिक्वेस्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आप यहाँ से अपने डेबिट कार्ड की पिन चेंज कर सकते हो, अपना पिन जनरेट कर सकते हो, अपने अकाउंट से डेबिट कार्ड को लिंक कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन आ रहा है डेबिट कार्ड हॉटलिस्टिंग का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ जो ऑप्शन आ रहा है नो डाटा ATM कार्ड लिंक टू द कस्टमर ID। तो दोस्तों, मेरे इस अकाउंट से अभी कोई भी डेबिट कार्ड लिंक नहीं है, इसलिए जो ऑप्शन आ रहा है। लेकिन जब आप ऐसा करोगे तो आपका तो डेबिट कार्ड पहले से बना हुआ था जो खो चुका है या टूट चुका है, तो आपके लिए यहाँ पे आपके कार्ड का नंबर आएगा और उसके नीचे अगेन अप्लाई करने के लिए अप्लाई का ऑप्शन आएगा, तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें। आप मेरे चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब करें।